Hi, Sharks. I'm Siddharth. And I'm Vinay. And together we founded Knock. Knock. But बाबूजी की नजर में अपन दोनों बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते। भाई तेरे बाबूजी ऐसा क्यों बोल रहे थे? भाई क्योंकि अपनी जनरेशन ज्ञानी बहुत है, सब पता है क्या अच्छा है क्या खराब है, बट जब जरूरत पड़ती है थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी की तो अपन पीते हैं वही रेगुलर एनर्जी ड्रिंक, और बाबूजी की नजर में तो बिल्कुल ही बेकार है, एकदम हमारी तरह। भाई हम इतनी एनर्जी ड्रिंक क्यों पीते हैं? भाई 3 Idiots से क्या सीखा? जिंदगी एक रेस है, तेज भागो नहीं तो कोई और कुचल के निकल जाएगा। और हमारी आज की जनरेशन यही सोचती है और फॉलो करती है लिव द एक्सट्रीम का प्रिंसिपल। And that's why we founded Knock. Knock to kick the rubbish off. Well done. Wow. Good shot. Knock, a healthier drink for a healthier world. Nice aim. Knock में amino acid है, folic acid है, biotin है, green coffee bean है, multivitamin है. बस भाई कुछ है इसमें जो बिल्कुल नहीं है. Knock में sugar बिल्कुल भी नहीं है. और पूरे कैन में है सिर्फ 5 calories. Very good. हमने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी बैंगलोर से और आज हम प्रेजेंट है 1100 से ज्यादा स्टोर्स में, और हम मौजूद हैं इंडिया की मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक Amazon, Flipkart, बिग बास्केट एंड मेनी मोर। हम और 5 cities में जाना चाह रहे हैं भारत में और 2 abroad cities में जाना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम आपके पास आए हैं 50 lakhs का आस्क लेके फॉर 2% ऑफ इक्विटी। सो साक्स, वुड लाइक टू जॉइन आवर जर्नी टू मेक दिस वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस, ताकि बाबूजी भी शान से बोल सके बेटा हमारा बड़ा नाम करेगा। आपके बाबूजी को हम ये बता देंगे कि बेटा बड़ा नाम कमाएगा क्योंकि आपकी एनर्जी जो है बिल्कुल जबरदस्त है। ये प्रोडक्ट का जो फॉर्मुलेशन है जिसमें आपने इतनी सारी खूबियां बताई, ये आपने इसका फॉर्मुलेशन कैसे बनाया, किसकी मदद से बनाया, उसके बारे में जरा कुछ बताइए। जी हमारी टीम में देयर इज अ वेरी रेनाउंड साइंटिस्ट जिनका 25 साल का बायोकॉन का एक्सपीरियंस है, जिनकी मदद से हमने ये फॉर्मूला डेवलप किया। ये हमारा खुद का फॉर्मूला है जिसे हमने पेटेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है। कितने साल से कर रहे हैं प्रोडक्ट डेवलप? हम लोग बचपन से साथ ही रहे हैं, इनफैक्ट हमारा करियर भी लगभग सिमिलर लाइन पे रहा है, बोथ ऑफ अस आर मार्केटिंग प्रोफेशनल। अच्छा। और हमने एक कंपनी में एक साथ ही काम किया था। हम लोग दोनों थोड़े से हेल्थ फ्रीक हैं, हमें आदत है वो कि कुछ भी मिलता है थोड़ा सा लेबल पढ़ लेते हैं और थोड़ा ज्ञान बांट देते हैं लोगों को, ठीक है कि इसमें ना ये खराब है ये अच्छा है ये है, और फिर खुद वो पी रहे होते हैं तो हमने ना थोड़ी गालियां पड़ जाती है घर वालों से भी कलीग से भी कि मतलब ज्ञान इतना देते हो ठीक है कर तो तुम भी वही रहे हो। अब हमने बोला कि अगर ऐसा है तो हम व्हाई नॉट वी पुट समथिंग विच कैन हेल्प एवरीवन इन दिस रिगार्ड। ये टेस्ट कर सकते हैं कि यस सर। सो दिस इज हाउ द ड्रिंक लुक्स लाइक। अच्छा, शो द कलर। या this is delicious. Oh really? It's amazing. Thank you so much ma'am. बहुत ही गंदी है। What? Are you serious? कोई अलग फ्लेवर है क्या ये? This is a berry flavor. This is berry sir. मेरे को berry नहीं पसंद शायद। इसका एक after taste आता है, वो एक क्लासिक BCAA जिसको ब्रांच चेन अमीनो एसिड कहते हैं जिसपे ड्रिंक बनी हुई है, उसका टेस्ट है और वो सबको पसंद नहीं है। जी। इसमें आपने डाला है 75 mg आई थिंक कैफीन है एक इसमें, तो वो तो काफी कॉफी है। मैं कॉफी का कैफीन ट्रैक करती हूँ तो मतलब एक कप कॉफी जितनी ऑलमोस्ट कैफीन है इसमें, तो ये नेचुरल क्या है इसमें? नाउ ये जो कैफीन आपके अंदर जा रही है सिंथेटिक कैफीन नहीं जा रही है, ये हमने ग्रीन कॉफी बीन यूज की है, जितने अमाउंट की ग्रीन कॉफी बीन यूज की है उससे जितनी कैफीन डिराइव हो रही है ये वो वैल्यू उसमें लिखी गई है क्योंकि वो FSSAI की नॉर्म्स है। सेल्स क्या हुई है आपकी अब तक? सो लास्ट हमने जब पहली फाइनेंशियल ईयर में अक्टूबर 2019 में स्टार्ट किया था एंड वी क्लोज आवर बुक इन मार्च 2020, तो हमारा जो नेट सेल्स वैल्यू था 1.16 करोड़ था 6 महीने का था। जी। अभी मंथली का क्या चल रहा है? लास्ट मंथ हमारा था वी क्लोज आवर 17.2 और अक्टूबर हमारा है वो ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास पहुंच गया, और हमारे पास ऑलरेडी एक एक्सपोर्ट ऑर्डर है फ्रॉम UAE। नहीं लेकिन अभी तो आपके पास भारी नुकसान चल रहा होगा क्योंकि इतना माल डाल रखा है अपने 1100 दुकान में जो नहीं बिकता है वापस आ जाता है। अभी तक मतलब टच वुड अभी तक कुछ भी वापस नहीं आया। और ये 1100 दुकानें कहाँ हैं और कैसी दुकानें हैं? कुछ 300 स्टोर्स जो है मुंबई में हैं और बाकी के 800 स्टोर्स हमारे बैंगलोर में। चलो ये प्रोडक्ट की बात हो गई, अब मेरे को ये बताओ मार्केटिंग आप लोग कैसे करते हैं? यार अमन एक मैं प्रोडक्ट की एक और बात पूछ लूं, प्राइस क्या है कैन? 110 रुपीज अ कैन नीचे लिखा है। एंड रेड बुल इज हाउ मच? 150। वाओ,
अच्छा, और आपका नाम, सॉरी नाम को लेके लास्ट क्वेश्चन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है, आई नो आपने नो कार्बोनेटेड ड्रिंक को शॉर्ट किया है, पर नॉक्ट नॉक्ट मतलब समझ नहीं आया था मैंने। नॉक्ट की फिलॉसफी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है आज वो ये नहीं देखते कि उसने एक छोटा गोल सेट किया, उसे अचीव करना है। इट्स नॉट अबाउट अचीविंग द गोल, दे वांट टू सरपास द गोल। आई थिंक द बेस्ट एग्जांपल्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस। सो वो जो गोल को नॉक करने का जो फिलॉसफी है, दैट फिलॉसफी वी वांटेड टू एम्बेड विद द नेम नॉक। मार्केटिंग की बात कर ले जी, प्लीज। हाँ सर, मैं मार्केटिंग का यही क्वेश्चन था, आप लोग क्या कर रहे हो? मैंने तो सुना ही नहीं नॉकर क्या बोलते आप, नौसड़ नॉकर नॉक। सर हमारा सबसे बड़ा आज के इसमें चैलेंज पूछेंगे ना, हमारा चैलेंज ही यही है। आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट रीजन कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, कि वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द जीनियसेस। सो समवेयर इफ क्या ना, हमारे को मक्खन लगा रहे थे, कुछ नहीं होने वाला। नहीं, मस्का की बात नहीं है, मस्का चाहिए नहीं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मे बी नो वन कम्स ऑन बोर्ड, बट अगर इनपुट भी मिलेगा तो दैट ऑल्सो हेल्प्स अस टू गेन समथिंग इन द बिजनेस। सो अभी आपका प्रोडक्ट रेडी है? हाँ बिल्कुल रेडी है। डिस्ट्रीब्यूशन रेडी है? बिल्कुल रेडी है। मार्केटिंग की जरूरत? जी सर। और आपने अभी आप पूछ लो, परेशान कर रहा है, करके पूछ लो। ये बनाने में कितना लगता है आपको पैसे? जो 110 का बेस्ट है। 20 रुपीस। तो हाई मार्जिन। यार मैं एक बात करूं, आई काइंड ऑफ मेड अप माय माइंड, ये जो गेम खेल रहे हो ना, ये मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का गेम है। ये बाकी जो स्टोरी, अमीनो एसिड, फोलिक एसिड, बायोटिन, ये सब अच्छी स्टोरी है, बट द फंडामेंटल पॉइंट इज, इट इज द कॉफी दैट इज गिविंग यू एनर्जी। उसको पैकेज करने के लिए, बेचने के लिए आपको एक बहुत अच्छी मार्केटिंग स्टोरी और फैंटास्टिक डिस्ट्रीब्यूशन गेम चाहिए। वो अभी तक मैंने देखा नहीं है, तो इसके लिए आई एम सॉरी बट मुझे आउट होना पड़ेगा। विश यू द बेस्ट। सिद्धार्थ और विनय, ये प्रोडक्ट से मैं रिलेट नहीं कर पाती हूँ एट अ पर्सनल लेवल, बिकॉज मैं बिल्कुल सोडाज, एनी ड्रिंक्स दैट आर कार्बोनेटेड पीती नहीं हूँ। फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई विश यू द वेरी बेस्ट। मार्केट काफ़ी बड़ा है एंड आपका ग्रॉस मार्जिन बहुत अच्छा है, रिटेलर को कन्विंस करना मुश्किल है, तो आपने काफ़ी अच्छा काम किया है वहाँ पे। पर इसमें अभी भी यू नो मुझे बहुत सारी चीज़ों से प्रॉब्लम है, जैसे मेरा नेम, पैकेजिंग। आपका अभी तक कोई और इन्वेस्टर है ऑन बोर्ड? दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर कमिंग फॉर द फंड। ओके ओके, आप ऑफर कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आपके जैसी मार्केटिंग महारथी की जरूरत है। आई नो, बट इनका एक ब्रांड है शुगर, इसका या नाम रख लेते हैं नो शुगर। ये गेम पूरा प्लेसमेंट का है, आपका प्रोडक्ट शेल्फ में कहाँ प्लेस हो रहा है उसके हिसाब से उठाया जाएगा। आपने नाम बहुत ही बकवास चूज किया है, ये कोई NOCD पढ़ के कोई दवाई का नाम लगता है, कोई एक्साइटमेंट नहीं आती कि मैं इस ड्रिंक को उठा के पीऊंगा। तो मेरे को लगता है आपने मार्केटिंग की जो वो थी वो मिस करी है इसमें कम्प्लीटली, उस कारण से मैं भी आउट हूँ इससे। तो देखो मेरे को पता क्या लगता है, मेरे को लगता है ड्रिंक, देखो ऐसे जैसे मैंने पहले बोला था, मुझे ड्रिंक तो पसंद आई नहीं, आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन कॉमन सेंस कहती है कि सबसे पहले तो मार्केटिंग अच्छी कर लो। तो अभी टू अर्ली है, मुझे लग रहा है बहुत काम करवाओगे आप मेरे से, तो मैं इतना काम करने को भी तैयार नहीं हूँ, इसलिए मैं आउट हूँ। मैं आपको ऑफर करूंगी, आई वॉन्ट टू ऑफर यू 20 lakhs ऑफ इक्विटी एंड फॉर दैट आई वॉन्ट 20% एंड 30 lakhs ऑफ डेट। दैट्स माय ऑफर। वंडरफुल। यू वांट टू टॉक अमंग देम योरसेल्फ? या हाँ, आप बात करिए। थैंक यू। इक्विटी प्लस डेट, देखिए जब कोई भी पैसा उठाता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो दो तरीके का पैसा हो सकता है। एक वो पैसा है जिसको आपको वापस नहीं करना, पर जिसके अगेंस्ट आपको अपनी कंपनी की भागीदारी देनी होती है या ओनरशिप देनी होती है, इसको हम बोलते हैं इक्विटी का पैसा। दूसरा तरीका है डेट, यानी कि लोन। इसमें आप लोन पे पैसा उठाते हैं और आप एक ब्याज चुकाते हैं और एक सर्टेन पीरियड के बाद वो पैसा वापस भी करते हैं। तो दो तरीके के पैसे हैं, इक्विटी और डेट। खतरो डील ऑफर किया आपने, अच्छा है, मतलब रिस्क बहुत है। प्रोडक्ट में दम है, बंदों में भी दम है, कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन जुगाड़ू बंदे लग रहे हैं। चलो आ गए वापस हमारे नॉक्ट के बंदे नॉकआउट करने।
Shark, we have a counter for you. बाबूजी की नजर में अपन दोनों बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते. And that's why we founded Knock. Knock to kick the rubbish off. Well done. Wow. I want to offer you 20 lakhs of equity. For that, I want 20% and 30 lakhs of debt. Shark, we have a counter for you. 20 lakh for 10% equity would do. Rest of the things remain same. 30 lakh debt. Valuation काफी नीचे आ जाएगी. It's not bad. अच्छा counter दिया आप. Actually, we need somebody who can help us, you know, taking to the next level. So. Generous. आपकी काउंटर मैं करती हूँ 15% इक्विटी बिकॉज उससे कम फिर इक्विटी का भी मीनिंग नहीं है एंड 30 लैक्स डेट एंड 20 लैक्स इक्विटी और नेम पैकेजिंग चेंज करना पड़ेगा तो वो भी कंडीशंस है वी विल टेक इट लाइक दैट बिकॉज योर स्ट्रेटेजिक इनपुट फॉर दैट वी आर गिविंग सर्टेन इक्विटी तो हाँ बोल रहे हैं ना आप हाँ जी All right. अभी एनर्जी आई यार आपके ड्रिंक की नहीं आई डील ओके आई है कांग्रेट थैंक्स सर चीयर्स चीयर्स टू यू थैंक्स सर मुझे एज अ BCAA सब्स्टिट्यूट बहुत अच्छा लगा फॉर पोस्ट वर्कआउट रिकवरी थैंक यू कांग्रेचुलेशंस थैंक यू सो मच मैम ग्रेट डील गाइस कांग्रेचुलेशंस थैंक्स मैम गुड जॉब गाइस थैंक यू वेल डन थैंक यू गुड डिसीजन Thank you.